यह प्रतिलेखन 60 शब्द प्रति मिनट के है। रेडी स्टार्ट। वैसे तो मीडिया सूचनाओं तथा आंकड़ों को संरक्षित व संप्रेषित करने का उपकरण है। मीडिया का कार्य सूचनाओं का एकत्रीकरण करना तथा उससे सभी को पारदर्शितापूर्ण अवगत कराना है। सरकारी क्रियाकलापों तथा सामाजिक क्रियाकलापों को उजागर करना भी मीडिया का कार्य है। वैसे तो मीडिया सरकार को कार्यों के प्रति तथा उनके द्वारा किए गए वादों के प्रति कटिबद्धता को दिखाने के लिए मजबूर करती ही है। साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी आधे अधूरे कार्यों की सच्चाई को भी जनता तक पहुंचाती है। मीडिया का सबसे बड़ा योगदान लोकतंत्र में होता है, जो प्रायः विकास को प्रेरित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा बड़ा आधार स्तंभ होता है। मीडिया की ही एक शाखा सोशल मीडिया है, जो आज टेक्नोलॉजी के युग में अलग-अलग रूपों में हमारे सामने आ रही है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो लोगों को एक दूसरे के प्रति तो बनाते ही हैं, साथ में इसकी लत लोगों में इस कदर लग जाती है कि फिर वो बच्चा हो या बूढ़ा या जवान, सभी उसमें इस कदर चिपके होते हैं जैसे गुड़ में मक्खियां। बहरहाल, हमारे लोकतंत्र ने हमें एक आज़ादी दी है, वो है अभिव्यक्ति की। हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया एक जरिया है जहां लोग अपने विचार रख सकते हैं, पर आजकल लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, लोगों का अपशब्द कहना, उन पर फिकरे कसना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब आम हो गया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज इंसान अभिव्यक्ति की आज़ादी से कहीं आगे बढ़कर करता जा रहा है, जो एक खतरा बन चुका है। स्टॉप।